हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आने वाले समय में एक यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हैं और आप भी वीडियो अपलोड करके पैसे कमाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस के साथ में बताऊंगा कि आप कैसे यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं और चैनल बनाने के साथ साथ आप कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सारे प्रोसेस मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक ईमेल आईडी बनाना है। अगर आपको ईमेल आईडी बनाना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी तरीके से ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद में आप अपना यूट्यूब ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से। ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद योर चैनल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम देंगे। आप जो भी अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि आपका चैनल किस कैटेगरी के बारे में है, मतलब किस तरह का वीडियो आप बनाना चाहते हैं, वो पूरा डेटा आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बैनर लगाएंगे। अगर आपको बैनर लगाना नहीं आता है तो एक दो दिन पे चैनल पे वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप बैनर बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लोगो लगाएंगे। उसके बाद लोगो लगाने के बाद में आपको बैक चले आना है, सीधा कट कर देना है। अब आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पर सर्च करना है www.youtube.com। यहाँ पर सर्च करने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है कि ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर आप कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स का एक ऑप्शन देख सकते हैं सबसे नीचे कॉर्नर में, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे सेटिंग्स खुल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जनरल से मतलब नहीं है, आप पहले चैनल पर क्लिक करेंगे। चैनल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से कंट्री से हैं जो वीडियो बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप इंडिया चूज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिया है, इंडिया चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना एक कीवर्ड लगाएंगे, जैसे कि आप कोई भी चैनल रखे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं DMT ब्लॉग रखा हूँ, तो यहाँ पर हम DMT ब्लॉग के कई सारे, जैसे कि कोई सर्च करेगा हमारा चैनल लिख के DMT ब्लॉग, कोई ब्लॉग लिख कर सर्च करेगा तो वो रैंक करना चाहिए चैनल। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से टैग लगाएंगे। अब जैसे DMT ब्लॉग है तो DMT ब्लॉग लिख लीजिए, फिर ब्लॉग कर दीजिए, फिर उल्टा सीधा करके ब्लॉग DMT कर दीजिए, उसके बाद छोटे लेटर में बड़े लेटर में लिख दीजिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो टेक्नोलॉजी लिख दीजिए, उसके बाद बैंकिंग के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो बैंकिंग लिख दीजिए। मतलब सारा कीवर्ड के ऊपर निर्धारित करता है। आपका चैनल जो रैंक करता है वो इसी कीवर्ड पर रैंक करता है। जब आप कीवर्ड अच्छे तरीके से लिखे रहेंगे तो ही आपका चैनल रैंक करेगा। उसके बाद लिख करके एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए आप मेड्स पार किड्स पर यहाँ पर नो करके रखेंगे हमेशा। अगर आप बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं है। उसके बाद फ्यूचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो ये स्टैंडर्ड फीचर्स है, ये आपको एक वेरीफाई करना है, वेरीफिकेशन करना है इसमें, तो आपको पहले इसमें वेरीफिकेशन कर लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर अपलोड डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लाइसेंस चूज़ करना है, और उसके बाद यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज चूज़ करना है कि आप कौन से लैंग्वेज में अपना वीडियो रखना चाहते हैं। ये जो मैंने लाइसेंस बोला ये तो मैं ऐसे बोल दिया, इसको ऐसे ही रखने देना है। उसके बाद आप वीडियो का लैंग्वेज चूज़ करेंगे कि कौन से भाषा में आप अपना वीडियो बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज चूज़ करेंगे कि आप टाइटल कौन से भाषा में यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन कौन से भाषा में लिखते हैं, तो वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेशन मांग रहा है, तो इसको नॉन कर देंगे या फिर इसको भी चूज़ कर लेंगे, इसको वैसे छोड़ देंगे, इसका कुछ भी काम नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप कैटेगरी चूज़ करेंगे कि आप कौन सा वीडियो बनाना चाहते हैं, कौन से कैटेगरी का वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे ऑटो व्हीकल्स बनाना चाहते हैं, कॉमेडी के रिलेटेड बनाना चाहते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड बनाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ पर चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक कर देना है। अब जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो वापस, जैसे मान लीजिए मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ, सेव पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स कुछ इस तरीके आपका ऑप्शन आपके पास आ जाता है। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो चैनल है वो बनके रेडी हो चुका है। अब आप वीडियो अपलोड करने के लिए आप यहाँ से भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप YouTube को ओपन करेंगे। यहाँ पर प्लस आइकन एक है, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैक आएंगे। अब सेटिंग्स लगाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक YT स्टूडियो डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर के ऑप्शन पर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ से इस YT स्टूडियो को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, ये मेरा फ़िलहाल एक चैनल है तो वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोई भी, अब जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो अनलिस्टेड में अपलोड करेंगे। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पेंसिल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वीडियो का टाइटल देना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पर पब्लिसिटी कुछ भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट आप अगर बनाकर रखें तो वो लिखेंगे। उसके बाद टैग्स पर क्लिक करके यहाँ पर अपना टैग लगाएंगे कि जिस टैग से कोई भी बंदा सर्च करे तो आपका वीडियो रैंक करे, तो वो आप यहाँ पर करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को यूट्यूब के बेसिक सेटिंग्स के बारे में पता चल गया होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।